तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा सीपी का सक्शन लाइन होता है, सक्शन लाइन में जो वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन होती है या फिर जिसको हम कैनिस्टर वेंट भी बोलते हैं, तो ये क्यों दिया रहता है, ठीक है, क्या पर्पज होता है इसका, तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं कि जो हमारा सीपी होता है, सीपी के सक्शन लाइन में जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैनिस्टर वेंट भी बोलते हैं या फिर वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन भी बोलते हैं। ओके, तो समझेंगे कि ये लाइन क्यों दिया होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने कंडेंसर का एक डायग्राम बना रखा है। ओके, ये हमारा कंडेंसर वाला पार्ट है, ये हमारा हॉट वेल है, ठीक है। हॉट वेल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा गर्म पानी होता है, हॉट वेल दैट मीन्स कि गर्म पानी का कुआं। तो यहाँ पे हमारा इसको हॉट वेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इस वाले पोर्शन में जो हमारी कंडेंसेड वाटर होते हैं वो कलेक्ट होता है, बाकी ऊपर में क्या रहता है, हमारे नॉन कंडेंसिबल गैसेस होती है, ठीक ना। तो नॉन कंडेंसिबल गैसेस को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो अगर बाहर नहीं निकाले तो क्या होगा, देखिए जो हमारी नॉन कंडेंसिबल गैसेस होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, डेंसिटी कम होती है, और जो वाटर होता है वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, हमारा वाटर नीचे बैठ जाता है और जो नॉन कंडेंसिबल गैसेस है वो ऊपर उड़ती रहती है। अगर हम नॉन कंडेंसिबल गैसेस को बाहर ना निकालें, ठीक ना, वैक्यूम ना क्रिएट करें, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे नॉन कंडेंसिबल कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना। तो दैट मीन्स आगे चल के क्या होगा कि हमारा यहाँ पे बैक प्रेशर क्रिएट होगा इस वाले पोर्शन में। तो क्या होगा कि जो हमारा स्टीम का फ्लो था टरबाइन से जो कंडेंसर में आ रहा था वो फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, हमारे टरबाइन की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इसलिए क्या करते हैं, हमें कंटिन्यू वैक्यूम मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ये वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन है, फिर कैनिस्टर लाइन हम क्यों लगाते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा इजेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इजेक्टर क्या करता है, यहाँ से नॉन कंडेंसिबल गैसेस को बाहर सक करने की कोशिश करता है। ओके, बट क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर मान लीजिए इजेक्टर है, फिर वैक्यूम में जो कुछ भी अलग अलग प्लांट में इजेक्टर भी यूज होता है, कई जगह हमारा वैक्यूम पंप भी यूज होता है। ये क्या करता है, जब यहाँ से सक करने की कोशिश करता है तो ये जो वाटर का लेयर है, वाटर का सर्फेस है, इस पर भी एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक ना। तो ये वाटर भी ट्राई करता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ठीक ना। क्या ट्राई करता है, इसके सरफेस पे भी एक फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स क्या करता है, इसको बाहर सक करने की कोशिश करता है, ठीक ना। तो अगर वो सक करने की कोशिश करता है, दैट मीन्स क्या होगा, जो हमारा ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल के इम्पेलर का जो आई रहता है वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक ना, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, ठीक ना। तो जो अगर लो प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो सैचुरेट होने की कोशिश करेगा, ठीक ना, क्योंकि हमारा लो प्रेशर पे लो प्रेशर पे क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है आपका वाटर का। ओके, और प्रेशर बढ़ता है तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि लो प्रेशर है तो कम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, वेपोराइज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कैविटेशन होने के, ठीक ना, किसके चांसेस रहते हैं, कैविटेशन होने के। तो जितने भी पंप मैक्सिमम डैमेज होते हैं वो किससे, कैविटेशन से ही डैमेज होते हैं, ठीक ना। बहुत डेंजरस होता है कैविटेशन, एक तरह से पॉइजन होता है पंप्स के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कैविटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि देखिए सक्शन से एक लाइन हम क्या करते हैं, उठा के अपना कंडेंसर के यहाँ पे दे देते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए पहले तो क्या हो रहा था कि ये इजेक्टर जो है, इजेक्टर यहाँ से आपका वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ से नॉन कंडेंसेबल कैसे वो सक कर रहा था, ठीक ना। उसके बाद इस वाटर के लेयर पे भी ये फोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा था, ठीक ना, मतलब यहाँ से इसको वाटर भी यहाँ से सक होने की बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सेम यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका लाइन है वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन, ये कहाँ पे कनेक्ट है, इसके लोअर पार्ट में, ठीक ना, यहाँ पे कनेक्ट है। तो जितना फोर्स इस वाले यहाँ पे लग रहा था, सेम फोर्स से यहाँ भी लगेगा उसको, ठीक ना। जैसे कि आपका जो नॉन कंडेंसिबल गैसेस थी उसको सक करने के लिए जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा था, सेम वही फोर्स यहाँ से भी सक करने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो यहाँ से सक करने की कोशिश करेगा, तो ये कहाँ पे कनेक्ट है आपका, ये यहाँ पे कनेक्ट है। ये क्या करेगा, जितना फोर्स आपका यहाँ लग रहा था उतना ही फोर्स आपका यहाँ भी लगेगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि जो फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा था और जो फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, ये दोनों फोर्स हो गए हैं बराबर। ओके, दैट मीन्स कि अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए हैं, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, यहाँ भी जो फोर्स लग रहा था, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स कि क्या होगा, आपका जो वाटर इधर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अब वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स आपका यहाँ लग रहा था, सेम फोर्स आपका यहाँ, जिस फोर्स से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, उसी फोर्स से यहाँ भी ये इसको नीचे खींचेगा, ठीक ना, नीचे खींचेगा। दैट मीन्स कि ये हमारा जो पंप है, पंप यहाँ इस कंडीशन में कैविटेशन होने से बच जाएगा, ठीक ना।
कैविटेशन होने से बच जाएगा। ओके, और एक चीज हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर जो हमारा वाटर है इसमें अगर थोड़े बहुत नॉन कंडेंसेबल गैसेस बच भी गए, ठीक ना, मान लीजिए थोड़ा बहुत बच गए नॉन कंडेंसेबल गैसेस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक रिड्यूसर लगाते हैं, रिड्यूसर लगाते हैं, ठीक ना। तो नॉर्मली जो रिड्यूसर होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक और दूसरा होता है इसेंट्रिक, ठीक ना। दो टाइप के रिड्यूसर होते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक होता है, एक इसेंट्रिक होता है। तो जो हम यहाँ पे लगाते हैं वो हमारा इसेंट्रिक होता है। ओके, ये कुछ ऐसे शेप में होता है, ओके, इस शेप में कुछ रहता है हमारा, ओके, इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा ये कनेक्ट है आपकी लाइन जो है वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन, ये कहाँ पे, यहाँ पे कनेक्ट है, ओके, कुछ यहाँ पे कनेक्ट रहती है, ओके। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत नॉन कंडेंसेबल गैसेस आपके वाटर में रह भी गया, तो देखिए यहाँ से जैसे ही आपका आया यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेगा, तो जो हमारा नॉन कंडेंसेबल गैसेस है उसकी डेंसिटी आपको पता है कम होती है, तो ऊपर अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो क्या होगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो सेम यहाँ भी होता है, हमारा जो वाटर है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ कहाँ नीचे से फ्लो होने की कोशिश करता है, नीचे बैठने की कोशिश करता है। वहीं अगर हम नॉन कंडेंसेबल गैसेस की बात करें तो ये ऊपर उठते रहता है, ठीक ना, ऊपर उठते उठते आता है और यहाँ से ये बाहर निकल लेता है, ठीक ना, यहाँ से ये बाहर निकल लेता है। और यहाँ पे क्या रहता है, इसका रिस्ट्रिक्शन है, दैट मीन्स कि वाटर तो आपका इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, जैसे ही हमारा जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है यहाँ पे आके जब टकराएगा, जो हमारे इसेंट्रिक रिड्यूसर है वहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ से ये ऊपर उठ के बाहर निकल लेगा, बाहर निकलेगा फिर कहाँ चला जाएगा आपका, ये कंडेंसर में वापस चला जाता है, ठीक ना। तो यही रीज़न है कि जो हमारा आपके सीपी के सक्शन में हम बोल सकते हैं कि जो वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन देते हैं वो इसीलिए देते हैं, और इसको हम कैनिस्टर वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनिस्टर वेंट, ठीक है, कई जगह हम इसको कैनिस्टर वेंट भी बोलते हैं, ओके। तो किस लिए देते हैं, ताकि जो हमारा पंप है पंप के इम्पेलर तक जो वाटर का सक्शन हो वो इजिली हो जाए, उसमें कैविटेशन ना हो, ओके, और जो कुछ भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस अगर वो बची भी रहे तो यहाँ से वो इस लाइन से होके वापस कंडेंसर में चली जाए, ओके। यहाँ से देखिए, फिर जैसे ही आपका ये सक्शन हो जाता है तो फिर ये हमारा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज से पानी कहाँ जाता है, जीएससी, जो कि हमारा ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में क्या होता है, जो भी हमारी जो हम ग्लैंड सीलिंग के लिए स्टीम देते हैं ना, वो ग्लैंड सीलिंग की स्टीम यहाँ पे आती है और यहाँ पे वो कंडेंस होती है सीपी के पानी से, और यहाँ से फिर हमारा जो पानी है इजेक्टर कंडेंसर में जाता है। इजेक्टर कंडेंसर में क्या होता है, जो भी हमारा इजेक्टर से नॉन कंडेंसेबल गैसेस थी उनको हम इजेक्टर कंडेंसर में भेजते हैं कि अगर उनमें थोड़ी बहुत हीट हो तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सीपी के पानी से, और वापस हमारा सीपी के पानी से कहाँ चला जाता है, डिरेक्टर में चला जाता है, ओके। तो यही रीज़न है कि जो हमारा सीपी में हम सीपी के सक्शन में वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन देते हैं, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।